हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 Tarot। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में जो आपके लिए लव मैसेज, क्योंकि वो कुछ कह नहीं पा रहे, बात नहीं हो पाती या फिर उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, जश्न नहीं है, तो उसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कि उनके दिल में क्या है, मैसेजेस क्या है उनके, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट रीडिंग होती है बट काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस निकल के आते हैं। तो क्विकली देखते हैं कि टैरोट से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द सन, वाओ, शाम की रीडिंग में भी अभी भी मैजिशियन, अगेन मैनिफेस्टेशन एनर्जी कंफर्म्ड है। नाइन ऑफ वैंड्स, द डेथ और एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक है, टू ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पहले तो सन रखते, ये दोनों कलर्स काफ़ी हद तक मिल रहे हैं, तो वो सब ये है एक्चुअली एनर्जी की चेंज। अभी क्या एनर्जी चल रही है, इनकी चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे मुझे रियलाइज़ हो रहा है ना कि जिस तरह से ये फुल मून न्यू मून की एनर्जीज गई है, बहुत बहुत गहरा असर, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में। जो भी एक ट्रिगर्स, एक जो भी एक प्रॉब्लम्स, परेशानी, जो भी अड़चने आई है, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन ऑफ द पर्सन और रियल स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन ऑफ पर्सन सॉरी पर्सन और रिलेशन, ये चीज़ें उनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। इसलिए तो अपनी सिचुएशन से ना, जो बंधे हुए सिचुएशन है, कंट्रोल्ड है, कोई है जो उनके आसपास है, जो बहुत ज़्यादा ना एक कंट्रोलिंग एनर्जी में रखा हुआ है, तो उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके पास आए, आपके लिए स्टैंड ले, जो हक उन्होंने आपको दिया नहीं है, जो एहसास, जो खास वो पहले कभी आपको करवा देते थे, वो एहसास आपको करवाना चाहते हैं। दोनों तरफ से प्यार इक्वल है। जो बारिश का सीज़न है, बहुत ज़्यादा इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई करा है, तो इवन आपके भी इमोशंस हाई हो रहे हैं, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। चिड़चिड़े हो रहे हैं क्योंकि अपने सिचुएशन में ना इमीडिएट हल निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करने के अलावा उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ज़बरदस्ती। इनके साइन है ना, लियो हो सकते हैं, कैंसर्स और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, स्पेशली स्कॉर्पियो ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जेमिनाई हो सकता है, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि जहाँ ना मैनिफेस्टेशन है, इंसान ने ना एक सडन रियलाइजेशन हुआ है आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन ना आपका प्यार उनके लिए कितना यूनिक है, कितना खास है, ये बात का स्ट्रांग रियलाइजेशन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ये अपनी सिचुएशन से ना बाहर निकलना चाहते हैं, ये जो एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना चाहते हैं। पॉसिबल है उनकी बर्थ डेट 19 हो, 10th हो, 13 हो, 1 या 10, 19, यस, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। रोमांस एंजल्स से आपके लिए मैसेजेस, इनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होगा ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि लिटरली ये इतनी मैनिफेस्टेशन एनर्जी स्ट्रांग है ना, आपको याद करने की, आपके पास देखने की, कि मतलब ऐसा है ना कि आपसे मैसेज करवाना चाहते हैं, आपसे कॉल करवाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी सिचुएशन में बंधे होने की वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही, आपसे मिलने नहीं हो पा रहा, तो ऐसा लग रहा है ना कि ये सारा बोझ है, जो चीज़ें ना आपके ऊपर डालना चाहते हैं कि आप आ जाए, सो दैट कि उनको अपनी खुशी मिल जाए। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू शाइन, ऑफ अ फन टू शाइन, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, और एक लास्ट कार्ड, यू डिजर्व लव,
ये सारी चीज़ें क्या कर रही है मालूम है कि इनको ना एहसास तो हो गया है कि आपका रिश्ता क्यों खास है। तो रोमांस एंजल से लगता है कि ये रिश्ता इसलिए खास है, आप लोग एक दूसरे से चाहते हैं भी दूर नहीं हो पा रहे, घूम फिर के यहीं पे आने की एनर्जी इसलिए है क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। तो ये जो चीज़ें चल रही ना ये आपके लाइफ में, ये बेसिकली एक कार्मिक सिचुएशन है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को प्यार दीजिए, जिसे आप अपने आप को ना, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ लव आपको ना एक मैग्नेट बनाता है जो उनको खींच लाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ना रोमांटिक फीलिंग रखते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है। और मेक द एफर्ट कहता है कि आपको उनको लव वाइब्रेशन सेंड करना ज़रूरी है। जो अगर आपका रिलेशन में आपका पूरा भरोसा है कि इनकी तरफ से कोई मतलब रिलेशनशिप श्योर है एंड यू डिज़र्व लव, आप सच्चे प्यार के हकदार हैं और वो आपको मिल के ही रहेगा। यस, आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। मैंने कहा ना कि फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। आई फील एट ईज वेन आई एम विथ यू। जब भी हम आपके साथ रहते हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ना कुछ टेंशन नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है, एक अपनेपन का बहुत एहसास है। योर पेशेंस इज अनरियल। जिस तरह से आप उनको प्यार करते हो, जिस तरह से उनको सब्र रखे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, समझते हो हर चीज़ में, जैसे खास करके आप जिस तरह से इंतज़ार कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा उनको ना ऐसा लगता है कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है, यू कंप्लीट मी। ये यिन एंड यंग की एनर्जी है कि आप जिसन उनको पूरा करते हो, अधूरे से पूरा करते हो। यू अंडरस्टैंड मी, आप ही उनको अच्छे से समझ सकते हो। दो अकाड़ है, यू अप्रिशिएट मी, यू आर सिंपली इरेसिस्टिबल। बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पुल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हो। ये बात बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रियलाइज हुई हुई है और मायने भी रख रही है उनके लिए अभी। आई लव यू। प्यार तो वो आप ही से करते हैं। यू आर माई सनशाइन। आप उनकी सन का जो एनर्जी है ना, आज पूरा दिन आई है तो डेफिनेटली देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। यू आर ओनली माइंड। आपको कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके हो। नाउ आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स की, आपकी इमोशंस की अभी ज़्यादा कदर होने लगी है। आई वॉन्ट टू मैरी यू। आपसे शादी करना चाहते हैं। मिस यू सो मच। बहुत बहुत मिसिंग एनर्जी है। आई मेड अ मिस्टेक। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। माफ़ी मांगने की एनर्जी स्ट्रांग है एंड हीलिंग, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अनजाने जाने सही कैसे भी कर गए। वेट, आई एम कमिंग टू यू। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, अचानक से मुझे लास्ट यही निकालने का कोशिश किया, मन किया, तो डेफिनेटली वेट आई एम कमिंग टू यू। आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं। यस, यही है मुझे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपका एज इज लाइक ना शाम की रीडिंग से ज़्यादा तो एक्साइटमेंट इस रीडिंग में थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा एकदम खुशी हो रही है। जैसे कि रीयूनियन के चांसेस, उनके कॉल मैसेज आने के चांसेस, जैसे रिलेशनशिप में एक लेवल का पॉजिटिविटी, एक लेवल का अचीवमेंट आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड आई होप ऐसा ही हो, आमीन। तो विद अ पॉजिटिव नोट, प्लीज़ यूनिवर्स सबकी हेल्प करे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई फेक कमेंट का प्लीज़ जवाब ना दें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।